अब बात कर लेते हैं पॉकेट्स के। तो पॉकेट्स का मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें आपको अकाउंट कैसे बनाना होता है। ये जो है ICICI बैंक के द्वारा हमें मतलब दिया गया है। तो सबसे पहले ये जो है आपसे वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा, तो आप जो है अपना नंबर वेरीफाई करा लीजिए, वही नंबर जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो। तो मैं अपना नंबर चूज़ कर लेता हूँ और वेरीफाई कराता हूँ। तो ये आपके नंबर से एक मैसेज करेगा, आपके अकाउंट में बैलेंस होना ज़रूरी है, मतलब आपके फ़ोन के अकाउंट में आपके नंबर पे जो है वो एक SMS उधर से आएगा रिप्लाई में, मतलब इधर से एक मैसेज भेजेगा वेरीफिकेशन के लिए, उधर से OTP मिलेगा। तो आपका बैलेंस कटेगा क्योंकि ये आपके मोबाइल से ही मैसेज करेगा, तो उसके लिए बैलेंस होना ज़रूरी है। फिर ये देखिए वेरीफाई जो है करने के लिए OTP भेजेगा, तो अभी जो है OTP आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं। ये OTP आ गया है, मैं इसको जो है डन कर देता हूँ। डन करने के बाद इधर से आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि आपका जो है नाम जो आपके ID प्रूफ पे मौजूद है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये डालना ज़रूरी है। तो मैं जो है अपना नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नाम लिखने के बाद आपसे जो है पूछा जाएगा सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगे। तो यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा दीजिए जो भी हो आपकी, मैं यहाँ पे अपने लगा दे रहा हूँ। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा दिया। उसके बाद यहाँ से आपको जो है आधार कार्ड नंबर मांगेगा, आधार कार्ड नंबर मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। आधार कार्ड नंबर के बाद फिर वही इंटर प्रोमो रेफरल कोड, तो अगर आपके पास मौजूद है किसी का तो आप डाल दें। वैसे तो आप अगर चाहें तो मेरे पास इसका मतलब मेरा कोड मौजूद है रेफरल कोड, अगर आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा, हमें भी बेनिफिट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल ले रहा हूँ। मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक कीजिए। तो आधार नंबर मैंने डाल दिया, तो अब मैं उसी पे क्लिक करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना है। हाँ, सबसे मेन चीज़ ये भूल गया था मैं, सेलेक्ट योर जेंडर, ये इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आप आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ गया तो ये MPIN जनरेट करने को कहेगा, तो यहाँ पर हम जो है अपना MPIN जनरेट कर लेते हैं। ये जो है 4 डिजिट का होता है, MPIN जो है जनरेट हो गया। सॉरी, वो मैसेज आ रहा है ऊपर व्हाट्सएप पे, आते रहते हैं ऐसे, तो कोई नहीं। उसके बाद कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म होने के बाद ये जो है दिखा रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अकाउंट। तो यहाँ पे आपसे एक चीज़ पूछा जाएगा, ये UPI के लिए है। तो यहाँ पे आपका बैंक पूछा जाएगा, कौन सा बैंक है आपका। तो मैं जो है अपना बैंक सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। तो मेरा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, आपका जो भी हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ढेर सारे बैंक दिखा रहे हैं, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर VPA आपको क्रिएट करने के लिए कहेगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो आप जो अपना VPA क्रिएट कर लीजिए। तो जैसा कि मैं यहाँ पे रजिस्टर फॉर UPI के लिए क्लिक कर रहा हूँ, तो ये दिखा रहा है कि जो UPI ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब ये अवेलेबल नहीं है, किसी के पास मौजूद है इस तरह का शायद। तो मैं इसमें कुछ डिजिट बढ़ा देता हूँ, कुछ नंबर बढ़ा देता हूँ, तो अब देखता हूँ क्या होता है। तो अभी जो है मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, तो ये हो गया है रजिस्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कीजिए। अब जो है आपको बता रहा हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तभी आपका अकाउंट जो क्रिएट हो गया, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, एज़ पर RBI डायरेक्टिव इज़ मैंडेटरी टू कंप्लीट EKY, मतलब KYC के लिए बता रहे हैं कि KYC बहुत ज़रूरी है, मतलब लाजमी ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, मतलब आपको अपॉइंटमेंट देना होगा किसी को। तो उधर से वो लोग आएंगे, वो जो उधर से रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके,
तो वो आके आपका KYC वेरिफिकेशन करेंगे, वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, वो अंगूठे का निशान होता है, वो सिंपली आपको क्या करना है कि मतलब बताना है कि हाँ भाई ये मैं ही हूँ, आपको उसमें आधार कार्ड नंबर हो सकता है मांग ले। तो मैं यहाँ पे 12 को दे रहा हूँ, 12 मई को उनको जो अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ। उस यहाँ पे आपसे एड्रेस, पिन कोड, स्टेट और सिटी के बारे में पूछेगा, तो यहाँ पे आप जो है अपनी पूरी जानकारी दे दीजिए और जानकारी देने के बाद सबमिट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे अपना जो है एड्रेस लिख दे रहा हूँ। एड्रेस लिखने के बाद फिर जो है मैं पिन कोड लिखूँगा। मैं आपको सब करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है। फिर उसके बाद मैं अपने यहाँ पे पिन कोड डाल दे रहा हूँ और स्टेट और सिटी सेलेक्ट करने के बाद मैं सबमिट कर दूँगा। ये अपने आप आ गया, पिन कोड डालने के बाद ये अपने आप आ गया, सबमिट कर दे रहा हूँ मैं इसको अब। तो ये हो गया, कंप्लीट हो गया, इसको आप ओके कर दीजिए। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, नेट जो है स्लो चल रहा है शायद, या हो सकता है कि प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम ले। तो अभी ये हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हो गया है, योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली शेड्यूल्ड। तो मैंने 12 को कर लिया है। आप जिस तारीख को जब चाहें उनको बुला सकते हैं, वो जो है आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। देखिए मेरा 8 से 12 बजे तक का टाइम मैंने सेट किया है। फिर उसके बाद क्या है, बस हो गया, बैक कर लीजिए, आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो गया, सब कुछ हो गया है, आपको कोई उसमें अब दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके अकाउंट में जो है फ़ंड बैलेंस जो है कम है। कम का मतलब मेरे पास अभी कुछ है ही नहीं, तो अगर आप चाहें तो फ़ंड ऐड कर सकते हैं। सिंपली आप ऐड फंड पे क्लिक करके, ऊपर उधर दिखा रहा होगा, दिखाएगा इधर जब आप जो है अपना पेज खोल मतलब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ऐड कर सकते हैं 500, 1000, जितना भी आप चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपको दो ऑप्शन, कई ऑप्शन मिलेंगे, डेबिट कार्ड या तो आप यूज़ करिए या फिर नेट बैंकिंग के ज़रिए। तो आप जो है चाहें तो अपना डेबिट कार्ड या नेट बैंक या जैसे भी हो आप ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि पॉकेट्स ऐप जो है ये ICICI के द्वारा मतलब बनाया गया है। तो इसमें आपको डेबिट कार्ड, ATM कार्ड जो भी आप कहें उसको, डेबिट कार्ड है तो ATM में भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको दे रहा है, उसकी भी सुविधा आपको दे रहा है। तो अगर आप चाहें तो डेबिट कार्ड वो वर्चुअली बना सकते हैं, एक वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है, या फिर एक जो फिज़िकल आमतौर पे जो डेबिट कार्ड होते हैं वो अगर आप चाहें तो उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहें तो वर्चुअल अपने मोबाइल पे ही डेबिट कार्ड दिखा रहा है उसको आप यूज़ करें। लेकिन अगर आप जो है इन केस फिज़िकल डेबिट कार्ड आप मंगाते हैं तो उसमें आपको चार्जेस देने होंगे, फ़ीस देनी होगी, वो 100 रुपये है और GST इंक्लूड है उसमें, तो मिला के शायद 118 रुपये होंगे। और इस पर ऑफ़र भी चलते रहते हैं, जैसे कि अभी मैकडोनल्ड का चल रहा है कि मैकडोनल्ड का एक जो आपको वो कार्ड दिया जाएगा, वो डिस्काउंट कार्ड शायद होता है, तो जब कभी भी आप मैकडोनल्ड में जाएंगे तो उस पर आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा। तो यही है बस, और कुछ नहीं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बैलेंस होना चाहिए, पॉकेट्स के अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, कम से कम जो है 150 होने ही चाहिए ताकि आप जो है इसको फिज़िकल कार्ड को ऑर्डर कर सकें। मैंने ऑर्डर किया है, उसकी भी एक वीडियो आपको बना कर दिखाऊंगा कैसे ऑर्डर करते हैं, उसमें क्या क्या होता है। और सिंपली इसमें क्या होता है कि आप जो है फॉर्म होता है वो फॉर्म फिल कर दीजिए, और एड्रेस वड्रेस शायद मांगता है तो एड्रेस वड्रेस वो फिल कर दीजिए। उसके बाद जो है 7 या 1 हफ्ते या 1 हफ्ते से ज़्यादा कुछ लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 12 दिन में आपके जो है घर पे भेज दिया जाएगा, ये पॉकेट्स का जो कार्ड होता है ये भेज दिया जाएगा। आप चाहे तो उसको जहाँ चाहे उसको वहाँ इस्तेमाल करें। तो अभी मेरा अकाउंट बन गया है, मैंने दिखा दिया आप लोगों को कैसे अकाउंट बनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की। ये वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है इसलिए जो है वीडियो यहीं से ख़त्म करना पड़ रहा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लोगों का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।